हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल माई रिसर्च सेंटर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पर्यावरण के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर के बारे में। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण क्या कहलाता है? पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण क्या कहलाता है? तो इसको वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है या मापा जाता है? तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या है? वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक बार है। अगला क्वेश्चन, वायु है या वायु क्या है? तो वायु एक गैसों का मिश्रण है, इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा कार्बन है, जबकि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा कार्बन 0.03%। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस, यानी अक्रिय गैस है, पूरे वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो आर्गन गैस अक्रिय गैस। अगला क्वेश्चन, भारत की जलवायु, भारत की कौन सी जलवायु है? तो उष्णकटिबंध मानसून जलवायु है। भारत की कौन सी जलवायु है? तो उष्णकटिबंध जलवायु है भारत की। अगला क्वेश्चन, वातावरण तथा जीव मंडल के बीच का संबंध कहलाता है? वातावरण तथा जीव मंडल के बीच का, वातावरण और जीव मंडल के बीच का जो संबंध क्या कहलाता है? तो इसे पारिस्थितिकीय कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्षुभ मंडल कहते हैं, जहाँ पे इंसान या हम लोग रहा करते हैं। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत, यहाँ पे दोस्तों निचली परत दिया हुआ है, यहाँ पे ऊपरी परत। निचली परत में क्षुभ मंडल, ऊपरी परत में ब्रह्मांड। अगला क्वेश्चन, क्षुभ मंडल की मोटाई में वृद्धि किसका संकेत है? क्षुभ मंडल की मोटाई में वृद्धि, जब वो क्षोभ मंडल मोटा होता है तो किस प्रकार की ऋतु होती है? तो यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होती है। अगला क्वेश्चन, क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर तथा किमी की ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है, तो कितना घटता है? 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। क्षोभ मंडल से ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, मौसमी घटनाएं कहाँ होती है? मौसमी घटनाएं कहाँ होती हैं? तो मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। अगला क्वेश्चन, उल्का से संबंधित घटनाएं हैं मध्यमंडल में। उल्का से संबंधित घटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो मध्यमंडल में होती हैं उल्का से संबंधित घटनाएं। अगला क्वेश्चन, वायुयान उड़ते हैं, वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं? तो वायुयान समताप मंडल में उड़ते हैं। दोस्तों, अगर फिर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, रेडियो तथा संचार माध्यम कहाँ होते हैं? रेडियो तथा संचार माध्यम कहाँ होते हैं? तो आयन मंडल में रेडियो तथा संचार संबंधित ये सब मामले होते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस में कौन कौन सी गैस होती हैं? ग्रीन हाउस क्या है? तो CO2, FCFC, CH4, NO2। अगला क्वेश्चन, वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है आर्द्रता। जब वायु में जल उपस्थित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? वायु में जल की उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो आर्द्रता कहते हैं वायु में जल की उपस्थिति को। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की आर्द्रता का मापक यंत्र है, वायुमंडल में आर्द्रता का मापक यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे है हाइग्रोमीटर। वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने का यंत्र कौन सा है? तो हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन, भूमंडल में कितने प्रतिशत जल है?
यानी कि पूरे पृथ्वी पर कितना परसेंट जल है, तो 71% जल है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4%। जो वायुमंडल हमारा है उसमें जलवाष्प की मात्रा कितनी है, तो 0 से 4% है। अगला क्वेश्चन, जीव मंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है, पूरे जीव मंडल में ऊर्जा का सबसे अधिक स्रोत क्या है, तो सूर्य। जीव मंडल में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सूर्य है। अगला क्वेश्चन, सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है, सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है यानी कि सूरज से निकलने वाली जो है प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर कितना प्रतिशत पहुंचती है, तो ये 51% पहुंचती है। ठीक है दोस्तों, सूरज से निकलने वाली प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर कितना पहुंचती हैं, इसका मतलब यही हुआ, तो यहाँ पे 51% पहुँचती है। अगला क्वेश्चन, संवहनीय वर्षा होती है, संवहनीय वर्षा होती है किसके कारण, तो विद्युतीय क्षेत्रों में होती है। अधिकतम वर्षा कहाँ होती है, तो विद्युतीय क्षेत्रों में। संवहनीय वर्षा और अधिकतम वर्षा विद्युतीय क्षेत्र में होती है। अगला क्वेश्चन, पछुआ हवाओं का कारण क्या है, पश्चिम से आने वाली हवाओं का कारण क्या है, चक्रवाती वर्षा। पश्चिम से आने वाली हवाओं का कारण क्या है, चक्रवाती वर्षा। अगला क्वेश्चन, 26वां क्वेश्चन यहाँ पर है, न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है, यानी कि हरदम वर्षा कहाँ होती है, तो ध्रुवों पर, न्यूनतम वर्षा ध्रुवों पर होती है। पछुआ हवा कहलाती है, ये देखिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए। पछुआ हवाओं को क्या कहते हैं, तो गरजता हुआ चालीसा इसे कहते हैं, पछुआ हवाओं को गरजता हुआ चालीसा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, फेरल का नियम संबंध किससे है, तो पवन की दिशा से संबंध है क्या, फेरल का नियम किससे संबंध है, तो पवन की दिशा से फेरल का नियम संबंध है। अगला क्वेश्चन, महासागरों की औसत गहराई कितनी है, तो महासागरों की औसत गहराई 4000 मीटर है। अगला क्वेश्चन, समुद्री जल में लवणता कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 35% औसत लवणता पाई जाती है समुद्र जल में। अगला क्वेश्चन, समुद्र जल में क्या पाया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है समुद्र जल में। सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक लवणता कहाँ है, वन झीलों में या तुर्की में है। अगला क्वेश्चन, जल राशि का स्वच्छ भाग है, तो 2.5%। अगला क्वेश्चन, ग्रेनाइट, टोलेराइड और बेसाल्ट क्या है, तो ये एक आग्नेय चट्टान है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं फटाफट से। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 35वां, शैल चूना पत्थर क्लोरमेट और कोयला क्या है, तो ये अफादी चट्टान है। शैल चूना पत्थर कंग्लोमरेट और कोयला क्या है, तो अफादी चट्टान है। अगला क्वेश्चन, नाइस स्टेल और संगमरमर क्या है, तो ये एक रूपांतरित चट्टान है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प। पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने के लिए क्या क्या जरूरी है,
तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एवं जलवाष्प। अगला क्वेश्चन, सूर्य से आने वाली प्रबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है ओजोन परत। सूर्य से आने वाले प्रबैंगनी किरण को कौन अवशोषित करता है, यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि सूर्य से आने वाली प्रबैंगनी किरण को कौन अवशोषित करता है, तो यहाँ पे ओजोन परत अवशोषित करती है किसको, सूर्य से आने वाली प्रबैंगनी किरण को। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत मापने की इकाई क्या है, ओजोन परत को हम किससे मापते हैं दोस्तों, ठीक है, ओजोन परत को किससे हम इसको मापते हैं, तो डाबसन से ओजोन परत को मापते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोन परत को किससे नापते हैं, तो डाबसन से ओजोन परत को मापते हैं। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है, ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है, तो CFC। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। अगला क्वेश्चन, मानसून सबसे पहले आता है कहाँ पे, मानसून सबसे पहले कहाँ आता है, तो केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में। भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है, तो केरल राज्य में जून के पहले सप्ताह से, यानी 1 से लेकर 5 जून के बीच में आता है। अगला क्वेश्चन, जाड़े के दिन में वर्षा होती है तमिलनाडु के तटों पर, जाड़े के दिनों में वर्षा किस राज्य में होती है, तो तमिलनाडु के तटों पर, इसे लौटती मानसून भी कहते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।